नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के बराली थाना क्षेत्र अंतर्गत मुसहरी टोला मोहल्ले में सोमवार की सुबह 19 कट्ठा जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई। इस घटना में चार लोग घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मामले को लेकर सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मामले में जमीन मालिक लाल बहादुर सिंह, उनकी पत्नी माधुरी, पुत्र वीर बहादुर और उसके साथी रवि उर्फ शरद मारपीट की घटना में घायल हो गए हैं। सिटी SP ने बताया कि पूरा मामला जमीन विवाद का है, जिसमें गोपालपुर से JDU विधायक गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल उर्फ टिंकू की संलिप्तता सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए SP सिटी शुभम मारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित के फर्द बयान पर मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है। इधर घटना को लेकर पीड़ित लाल बहादुर सिंह ने बताया कि काफी दिनों से मुसहरी स्थित जमीन पर विधायक गोपाल मंडल की नजर है और वे अपने समर्थक के बूते 19 कट्ठा जमीन पर कब्जा जमाना चाहते हैं, जिसको लेकर विधायक ने कई बार लाल बहादुर सिंह को जमीन खाली करने की धमकी भी दी है। पीड़ित का कहना है कि विधायक के दबाव डालने पर उन लोगों ने जब इस पर विरोध जताया तो उनके पुत्र आशीष ने अपने 20 सहयोगियों के साथ लाल बहादुर एवं उसके परिवार वालों पर हमला बोल दिया। हालांकि घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए माइग्रेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि घायल लाल बहादुर के पुत्र का साथी रवि भी इस दौरान जबड़े में गोली लगने के कारण गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए सिल्लीगुड़ी रेफर कर दिया गया। वहीं संबंध में JDU विधायक गोपाल मंडल ने दूरभाष पर बताया कि घटना में उनके पुत्र की कोई संलिप्तता नहीं है, जबकि आरोपी आशीष मंडल ने भी फोन पर उन पर लगे सभी आरोप को बेबुनियाद बताया है। लगभग 15-20 दिन से गोपाल मंडल हमको धमकी दे रहा था कि जमीन पर नहीं आइएगा, और उस पर ट्रांसपोर्ट खोल दिया। ट्रांसपोर्ट वाले को हमने जब वहाँ से उसको हटाया, पुनः जो है वो मेरे ज़मीन को फिर कब्जा करना चाहा बाउंड्री करके, तो हम लोग उस पर गए कि नहीं करने देंगे। तो इसी पर जो है वो लोग गोली और लाठी डंडे से प्रहार किया मेरे बेटे पर, मेरी पत्नी माधुरी प्रसाद पर और मेरे ऊपर, और शरद को जो है हमको बचाने में उसको गोली लगा है, गोली जो है वही चलवाया, गोपाल मंडल ही चलवाया। गोपाल मंडल कौन? विधायक गोपाल मंडल नरेंद्र कुमार नीरज जी। कौन से जमीन का विवाद है? कोई विवाद नहीं, मेरी जमीन है सर, कोई हमसे कहीं कोई विवाद नहीं चल रहा है उनसे। कब्जा करने के लिए ऐसा किया है सर, वो जो अवैध कब्जा पर वो होटल जो बनाया है वो अवैध कब्जा है, हम जिनको बेचे हैं उस पर वो कब्जा किया। अब मेरे प्रति जमीन जो 19.5 कट्ठा है उसको दखल करने के चक्कर में जो है ये हमारे ऊपर प्रहार किया है, मेरे जमीन को कब्जा करना चाहता है। आज कौन कितने लोग थे लगभग? कम से कम तो 20 से ऊपर लोग थे। कौन कौन थे? जिसमें कि दिलीप मंडल जो है उन्होंने गोली चलाया, धनंजय मंडल ने गोली चलाया, और इसके पहले प्लॉट पर आ करके जो है धमकी दे करके संजीव सिंह गए, और आशीष जो है उनका लड़का वो भी मारपीट में था, धनंजय यादव था जी। कहाँ के ये लोग? दिलीप मंडल है इधर लेलक ममलखा के, और धनंजय यादव हाउसिंग बोर्ड के हैं, और आशीष तो विधायक जी के लड़के हुए। तरुण ने फ़ोन करके मेरे बेटे को बोला कि आप लोगों पर जो है आप लोगों के साथ मारपीट होगी, आप लोग प्लॉट पर से चले जाइए। आज कितने लोग घायल हुए हैं? मतलब हम लोग 4 घायल हुए हैं, एक आदमी को 2 बार गोली लगा है, 2 गोली लगा है उसको, और मेरी वाइफ का हाथ तोड़ दिया है, पूरे शरीर में लाठी से वार है, हमारा हाथ तोड़ दिया, मेरे बेटे का हाथ तोड़ दिया। क्षेत्र में एक बिग डैडी रेस्टोरेंट है और वो जिस प्लॉट पे बना हुआ है वहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ पे कुछ मारपीट हो रही है। पुलिस की टीम तत्काल वहाँ पहुँची, वहाँ 4 लोग जख्मी पाए गए थे, उसमें से एक व्यक्ति को बुलेट का छर्रा लगा हुआ था, उसको तत्काल पुलिस के द्वारा अस्पताल ले जाया गया और बाकी 3 लोग जख्मी लोगों का भी इलाज चल रहा है। सर, मामले में JDU विधायक के बेटे का नाम सामने, इसमें जमीनी विवाद का मामला सामने आ रहा है, पहले से भी ये विवाद चलता रहा है और उसी मामले को लेकर दोनों पक्ष में मारपीट की गई है। क्या कार्रवाई? इसमें फर्द बयान लिया जाएगा और उसमें फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदरपुर रेलवे उल्टा पुल के समीप स्थित पंजाब नेशनल बैंक से रुपये निकालकर जा रही एक महिला से मोटरसाइकिल सवार झपटमारों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि परशुरामपुर की रहने वाली रंजी देवी अपनी 14 वर्षीय पोती के साथ बैंक गई थी और वहां से 1,20,000 रुपये की निकासी कर महिला वापस जा रही थी, तभी झपटमारों की नजर उसकी पोती पर पड़ी, जिसके हाथ में पैसे का
बैग था। इसके बाद मोटरसाइकिल सवार दो झपटमारों ने बच्ची के हाथ से पैसे से भरा बैग छीन लिया और वहां से आसानी से फरार हो गए। वहीं छिनतई मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से पूरी बात जानकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। इसको लेकर रंजीत देवी ने बताया कि उसने जमीन खरीदा है और उसी जमीन का पैसा देने के लिए वह पुत्री के साथ बैंक गई थी, लेकिन पैसे निकाल कर आने के क्रम में दो बदमाश पैसे से भरा बैग झपट कर फरार हो गया। अच्छा, पैसा निकाल के जा रहे थे? यहीं से निकाल लिए। ये जो सामने पंजाब नेशनल बैंक है, कितना पैसा निकाल लिए? 20,000 निकाल लो। अच्छा अच्छा, उसके बाद जाए तो मोटरसाइकिल झोला ले लिया ऐसे छोटा झोला छोटे। आपके साथ कौन कौन थे? बेटी चले, माँ बेटी चले। अच्छा, तो पैसा किसके पास? आपसे छीना गया? नूनू से, हमारा बेटी लग से। बेटी से छीन लिया? माता में आगो आगो। कितने बड़ी थी बेटी? बड़ी छे 14-15 छीन के चले गए। अच्छा, कहाँ पे हुआ आपका? यहीं पे, इसी जगह? मतलब कोई पे शक है बैंक में आपको लगा कि कोई बदमाशी करेगा? कहाँ जा रहे थे आप लोग? आप लोग कहाँ जा रहे थे? कहलगांव। बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा दो चरण में होने वाले नगर निकाय चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। पहले चरण का चुनाव 18 दिसंबर को संपन्न होगा, जिसकी मतगणना 20 दिसंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर और मतगणना 30 दिसंबर को होगी। बता दें कि भागलपुर में नगर निगम चुनाव दूसरे चरण में 28 दिसंबर को होगा, जिसकी गिनती 30 दिसंबर को होनी है। वहीं इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इधर मतदान को लेकर भागलपुर के जिला स्कूल मैदान में सोमवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भयमुक्त और बिना किसी तकनीकी व्यवधान के चुनाव संपन्न कराने को लेकर जरूरी जानकारी कर्मियों को दी गई। इस दौरान काउंटिंग बूथ के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों एवं प्रभारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें पहले सत्र में करीब 2,500 कर्मियों को ईवीएम सहित बूथ पर चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया, जबकि दूसरे सत्र में 3,000 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। दो पाली में प्रशिक्षण हुआ है, प्रत्येक पाली में लगभग 2,500 से 3,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है और अलग अलग पद के लिए अलग अलग रूप में प्रशिक्षण हो रही है और हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण की प्रक्रिया जो है ये 2 दिन चलेगी, आज 12 को और 13 तारीख को। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद चुनाव की तिथि दो चरणों में तय की गई है। पहले चरण में चुनाव जो है वो 18 दिसंबर को संपन्न होगा, जबकि भागलपुर इलाके में 28 दिसंबर को चुनाव की तिथि तय की गई है। इसी संदर्भ में आज भागलपुर के जिला स्कूल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर प्रथम पाली में जो है लगभग 2,500 लोगों को चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, जबकि दूसरे पाली में भी 3,000 लोगों को जो है चुनावी प्रशिक्षण दिया गया। भागलपुर से सिल्क टीवी के लिए इशुराज। भागलपुर ट्रिपल आईटी में चल रहे टेक्नो कल्चरल फेस्ट इन युग्मा के अंतिम दिन रविवार के देर शाम स्टार नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे, निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे और समन्वयक डॉक्टर प्रकाश रंजन ने संयुक्त रूप से किया। वहीं इस दौरान कई गायकों ने कार्यक्रम में अपने गीतों की प्रस्तुति दी। बता दें कि स्नेहा उपाध्याय द्वारा गायक गीत ने पूरा माहौल बदल कर रख दिया, जबकि कई कलाकारों ने भी कार्यक्रम पेश कर लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। इस दौरान फैशन शो का भी आयोजन किया गया, जबकि स्टोरी राइटिंग, हिंदी कविता, वाद विवाद प्रतियोगिता, सोलो संगीत समेत कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में ट्रिपल आईटी के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वही कार्यक्रम के अंत में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर डॉक्टर गौरव कुमार, डीन धीरज कुमार समेत काफी संख्या में छात्र छात्रा और अन्य लोग मौजूद थे। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। Thank you.
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है बढ़ते अगली खबर की ओर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आंदोलन का दौर शुरू हो चुका है। छात्र राजद के द्वारा TNB कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय चौधरी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर सोमवार को विश्वविद्यालय सहित सभी कॉलेजों में संजय चौधरी को बर्खास्त करने को लेकर पोस्टर लगाया गया, जबकि आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि डॉक्टर संजय चौधरी का प्रिंसिपल पद पर कार्यकाल 6 दिसंबर को पूरा हो चुका है और इसके बावजूद उन्हें पद से नहीं हटाया गया है। वहीं TNB प्रशासन के द्वारा उन्हें फिर से एक्सटेंशन देने की कवायद की जा रही है, जबकि उन पर लगे कई आरोप जांच के दौरान सिद्ध हो चुके हैं। साथ ही छात्र राजद के नेताओं का कहना है कि उन्हें एक्सटेंशन देना कहीं से भी उचित नहीं है और छात्र इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन से डॉक्टर संजय चौधरी को अविलंब बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। फिर जब TNB कॉलेज में भी काफ़ी सारे काम हुए, इसमें भी जांच कमेटी को उन्होंने सहयोग नहीं किया, सहयोग के अलावा उन्होंने उनका बहिष्कार किया। SSV कॉलेज में भी इसका बहुत ही भ्रष्टाचार स्थिति रहा। उसके बाद आज जब उनका समय 5 दिसंबर को पूरा हो गया तो उन्होंने अपना पद को नहीं छोड़ रहा है और इनमें कुल सचिव भी सम्मिलित हैं और कुलपति और कुल सचिव के सम्मिलित होने के कारण इन्होंने 5 साल और स्टेशन लेकर के TNB कॉलेज में प्रचार रहना चाह रहा है। भागलपुर के पीरपैती और ऋषिपुर थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध गिट्टी पलटा और स्टोन डस्ट की झारखंड मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र से अवैध लोटिंग कर बिहार में डंपिंग की जा रही है। वहीं इससे होने वाले परेशानियों के खिलाफ सोमवार को ऋषिपुर थाना क्षेत्र के रजगांव चौक पर ग्रामीणों ने अवैध चल रही ट्रैक्टरों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। इसको लेकर एक व्यक्ति देवानंद कुशवाहा ने बताया कि वह बरमसिया से अपनी मोटरसाइकिल से राजगांव स्थित अपने घर जा रहे थे, तभी भागमारा चौक के पास तेज गति से आ रही ट्रैक्टर ने उनके मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी, लेकिन वह आनंद फानंद में बाइक को छोड़कर दूर भाग गए और किसी तरह से बाल बाल उनकी जान बच गई। उन्होंने बताया कि इस घटना में उनकी मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध करते हुए ओवरलोड ट्रैक्टर का परिचालन इस मार्ग से नहीं कराने की बात कही। इसके अलावा आए दिन हो रही परेशानियों के कारण सड़क दुर्घटना से होने वाले नुकसान की भी बात कही। रोड चलता है तो रात भर हम लोग को नींद नहीं लगता है, खाली डाला हड़ 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 करते रहते। क्या क्या परेशानी होती है इससे? क्या क्या परेशानी है कि डाला खाली उधर से आता है, बाल बच्चा को आने जाने में दिक्कत होता है। अच्छा, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो ये कितना देर तक आप लोग बैठेंगे? जब तक नहीं मैं बड़ा चले आते हैं, जब तक कोई प्रशासन के द्वारा प्रतिक्रिया नहीं मिलती तब तक आप बैठे रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।